एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। देखिए यहां पे करना क्या है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पे एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे लेट देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, यहां पे कहा जा रहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, है ना। तो एक साइड ले लेते हैं, मान लीजिए हम एबी ले लिए। एबी में क्या करना है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और कंडीशन क्या है लाइन ड्रॉ करने की, पैरेलल टू अनदर साइड। तो हम मान लेते हैं कि बीसी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब प्रूव करना है, इस तरह की लाइन ड्रॉ की जाती है, एक साइड का मिड पॉइंट लेना है और दूसरे साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो प्रूव करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, दिस लाइन बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब आपको प्रूव करना है, अगर ये एक ई पे इंटरसेक्ट करता है थर्ड साइड को, तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डी की, वो एसी को बाइसेक्ट करेगी। ध्यान दीजिएगा, पहले लाइन का मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया गया है, अभी लाइन का कंडीशन क्या है, बीसी के पैरेलल है, तो एबी बीसी हो गया आपके पास। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है ये डीई, डीई थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। मतलब आपको प्रूव करना है कि एई इज इक्वल टू ईसी, यही आपको प्रूव करना है। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो यहां पे हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे फटाफट। क्या मिला है हमें, गिवन दैट, गिवन दैट डी एडी इज इक्वल टू डीबी, पहली चीज ये मिली है कि डी इज द मिड पॉइंट, मींस एडी इज इक्वल टू डीबी, ये मिली है। और दूसरी चीज मिली है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हमें क्या मिलता है, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, ठीक है। ये चूंकि पैरेलल है, ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, तो थेल्स थ्योरम यहां पे अप्लाई कर दिया हमने, तो AD by DB is equal to AE by EC मिल गया। अब यहां पे चूंकि हमें क्या दिया, AD is equal to DB, तो AD की जगह पे हम DB पुट कर देते हैं, तो यहां पे हमने AD की जगह पे DB पुट कर दिया, DB by DB, DB ऑलरेडी नीचे है पड़ा हुआ, तो is equal to AE by EC हो गया। और DB by DB आप बताइए क्या होगा, दोनों ही सेम है, कैंसिल होके वन बचेगा, तो यहाँ पे ए बाय ईसी होगा, एज इट इज। तो ये आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू ईसी मिलेगा, और यही आपको प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू ईसी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। क्लियर है, बाय बाय।